हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्ज़ाम हेल्पर में। मैं हूं आपका दोस्त फ्यूचर हेल्पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपका आरआरबी क्लर्क शिफ्ट वन का जो एग्ज़ाम हुआ है 8 अगस्त को, उसके बारे में हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, सेफ अटैम्प्ट क्या हो सकते हैं, ठीक है, कितने कितने अटैम्प्ट करके आए हैं, पेपर का जो लेवल था वो क्या रहा था, या जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ठीक है, तो पूरा हम इस वीडियो में एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें। हम आगे आने वाले शिफ्टों के सभी शिफ्टों के एनालिसिस आपको देने वाले हैं और एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी आपको बताने वाले हैं, जिससे कि आपको यह पता चल सके कि आपको मेंस की जो प्रिपरेशन है वो करनी है या नहीं करनी है। और मैं आपको बताऊंगा कि मेंस की प्रिपरेशन कैसे करना है। मैं पिछली बार मेंस भी अटेम्प्ट कर चुका हूं, ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, आईपीएस आरआरबी क्लर्क प्री 8 अगस्त का, ये देखिए फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम एनालिसिस है करने वाले हैं, ठीक है। और मैंने जिन्होंने से रिव्यू लिया है, जिन्होंने से मैंने क्वेश्चन पूछे हैं, उन्होंने देखिए कितने 70 अटैम्प्ट किए हुए हैं उन्होंने, तो काफ़ी अच्छे अटैम्प्ट हैं उनके, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए हम रीजनिंग का जो है करने वाले हैं पहले। तो देखिए यहाँ 5 स्लॉक्स पूछे गए हैं, 5 नंबर जो है सिलोलिज्म से पूछे गए हैं, जिसमें कि बहुत ही सिंपल था, मतलब बहुत ही सिंपल, 2 स्टेटमेंट थे, 2 कंक्लूजन थे, मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं था कुछ भी, मतलब घुमाया नहीं था, ठीक है। इसके बाद 5 इनइक्वालिटी पूछी गई थी, जिसमें कि सिंगल स्टेटमेंट थी, मतलब कोई भी, मतलब 2 डबल स्टेटमेंट, सिंगल स्टेटमेंट में काम हो रहा था, बिल्कुल इसे हलवा बोल सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है, हलवा था। इसके बाद 5 अल्फा न्यूमेरिक सीरीज थी, यानी कि मिक्स सीरीज जो आती है, इसमें लेटर नंबर सिंबल तीनों होते हैं वो भी। तो देखिए मतलब 15 नंबर, तो ये मतलब मुश्किल से आप 5 मिनट में ये 15 नंबर गेन कर सकते थे, ठीक है। इसके बाद 3 नंबर का ब्लड रिलेशन था, 1 नंबर का डायरेक्शन था, ठीक है ना। इसके बाद हम और यदि देखें नीचे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख सकता है, ठीक है, 2 से 3 नंबर के मिसलेनियस पूछे गए थे, जैसे कि वर्ड फॉर्मेशन से पूछे जाते हैं और पेयर बनाने पूछे जाते हैं, ठीक है ना, इससे कौन सा वर्ड बन सकता है उस तरीके से, ठीक है। इसके बाद 19 से 20 नंबर के आपके पज़ल पूछे गए थे, पज़ल भी बहुत ज़्यादा सिंपल थे। देखिए पहला था अनसर्टेन रूट, इसमें शायद 19 मेंबर इसमें आ रहे थे, ठीक है ना, अनसर्टेन रूट। इसमें एक साथ बॉक्स था 7 मेंबर, 8 सर्कल इनसाइड थे, ठीक है ना, और 7 फ्लोर थे, तो मतलब कितना इजी हो सकता है, ठीक है ना, और सिंगल सिंगल मतलब पॉसिबिलिटी में बन रहे थे, किसी में तो पॉसिबिलिटी भी नहीं बनानी पड़ती शायद सर्कल वाले में, तो ठीक है ना, मतलब बहुत ज़्यादा ये हलवा पेपर रहा था रीजनिंग का। तो चलिए इसमें हम अगर सेफ अटैम्प्ट देखें रीजनिंग में तो क्या हो सकते हैं, तो अगर आप 35 प्लस करके आ रहे हैं रीजनिंग में तो बहुत ही अच्छे आपके अटैम्प्ट माने जाएंगे, बिल्कुल, ठीक है, 30 प्लस भी हैं, और यदि आप कैटेगरी में आते हैं तो आपके बेटर है। अगर 30 प्लस हैं और आप कैटेगरी में हैं तो बिल्कुल आपके सेफ जोन में हैं आप, ठीक है। इसके बाद हम चलिए मैथ्स का रिव्यू कर लेते हैं। तो देखिए मैथ्स में आपको जैसा कि दिख रहा होगा, ठीक है, मैथ्स में आपको दिखा देता हूँ, 5 नंबर का जो है मिसिंग सीरीज आया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा ईजी था, मतलब शायद या तो एडिशन करके आ रहा था, मतलब डिफरेंस से हो जा रही थी सीरीज़, ठीक है, गुणा भाग तो किसी में था ही नहीं, ना कि स्क्वायर वगैरह, ना कुछ, मतलब सिंपल सीधा डिफरेंट डबल डिफरेंस हो जा रहे थे, बहुत ही ज़्यादा इजी थी। इसके बाद 12 से 15 सिंप्लीफिकेशन थे, वो मतलब हलवा, मतलब विदाउट पेन पेपर हो रहे थे, ठीक है, विदाउट पेन पेपर ये हो रहे थे, बिल्कुल हलवा थे, मतलब, ठीक है ना। इसके बाद 10 नंबर की आपकी DI पूछी गई थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा, मतलब देखिए यह लिखा हुई है, वो हलवा थी, मतलब सिंपल, मतलब बिल्कुल कुछ नहीं, आपको बस डाटा दिया था ऐसे करके, मतलब ये 50 है, ये 60 है, ये 70 है, ये 80 है, मतलब कुछ भी, मतलब इन दोनों का बताइए एवरेज क्या होगा, मतलब सबका बताइए जोड़ क्या होगा, मतलब इस तरीके से मतलब पूछा गया था आपको टेबल और बार ग्राफ में, मतलब बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। इसके बाद जो है आपका 10 नंबर का, 10 से 12 नंबर का जो है आपका अर्थमेटिक पूछा गया था, जो कि ईजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, क्योंकि अर्थमेटिक बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं उनका कमज़ोर होता है, तो ईजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, फिर भी बहुत ज़्यादा सिंपल अर्थमेटिक रहा था। जैसे कि रेशियो पे पूछ लिया गया कि रेशियो दे दिया, 3:2 है और मतलब 1500 रुपये हैं, इसमें बांटना है, तो बताइए क्या हो, तो विदाउट पेन पेपर 5 आ गया इसका, 300 आ जाएगा, 900 आ जाएगा और 600 आ जाएगा, हो गया बस, मतलब विदाउट पेन पेपर बनना था, फिर भी थोड़े 2-4 क्वेश्चन उसमें लग सकते हैं। तो अगर हम मैथ के अगर सेफ अटैम्प्ट देखें तो आपको दिख रहा होगा 30 प्लस अगर आप करके आए हैं तो बहुत ही ज़्यादा सेफ अटैम्प्ट आप मान सकते हैं मैथ्स के अंदर, ठीक है ना। अगर आप कैटेगरी में हैं तो 28 के अप्रॉक्स आप देख लीजिएगा, इतने आपके हो सकते हैं। तो चलिए इसके बाद हम एक एनालिसिस देखते हैं कि बच्चे आखिर कितने कितने करके आए हैं और कितने कितना कट ऑफ जा सकता है, ठीक है, तो पूरा कंक्लूजन दिखा लेता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए आपको दिख रहा होगा कट ऑफ एनालिसिस, बहुत सारे स्टूडेंट्स में इंक्लूड हैं, कम से कम 10 से 15, तो हम देखते हैं क्या क्या उनके रिव्यू रहे हैं, ठीक है, मैं जूम कर देता हूँ, तो ठीक है ये आपको दिख रहा होगा,
ठीक है। तो देखिए ये इनके 73 अटेम्प्ट हैं, 100% एक्यूरेसी है। ये देखिए नीचे वाले भाई साहब को देखिए 80 आउट ऑफ 80, ठीक है इनके। इसके बाद देखिए 80 जनरल, मतलब पेपर का लेवल आप देख सकते हैं, मतलब 80 अटेम्प्ट करके आ रहे हैं बच्चे, ठीक है। इसके बाद देखिए 70, ठीक है 70 करके आए, 100% एक्यूरेसी है, ठीक है ना। और देखिए 64 अटेम्प्ट किए इन्होंने, ठीक है। इसके बाद देखिए 68 भी अटेम्प्ट किए हैं, 58 भी किए हैं। इसके बाद ये देखिए ये 48 ही रह गया इनका स्कोर, ठीक है ना। तो इनका तो मतलब चांस नहीं है बिल्कुल। इसके बाद 55 इनका भी चांस नहीं है, 65 हाँ चांस है, ठीक है। इसके बाद 77 देखिए बहुत अच्छा है, 55 इनके चांस नहीं है, ठीक है। इसके बाद 55 अटैम्प्ट, तो आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं और भी नीचे हैं, मैं नीचे दिखाया था उनको। देखिए 57 इन्होंने किए हैं, इन्हें 44 भी अटैम्प्ट किए हैं, 57 भी किए हैं। तो मतलब अगर हम ओवरऑल अगर कट ऑफ की बात करें तो जो आपका कट ऑफ जा सकता है वो 65 प्लस ही रहने वाला है आपका कट ऑफ, अगर आप किसी भी कैटेगरी से नहीं है, जनरल से आप बिलोंग करते हैं और आप कैटेगरी से हैं तो इनसे 5 से 7 नंबर आप कम कर लीजिएगा। अगर आप एससी से हैं और अगर एसटी से हैं तो आप 10 नंबर तक कम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका कट ऑफ रहने वाला है और अलग अलग स्टेट्स में ये कट ऑफ वेरी भी करेगा। 65 से ये शुरू होगा कट ऑफ और ये जा सकता है 75 तक, इसके बीच में आपका कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है। तो यही वीडियो था और आगे आने वाली सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस भी हम इस वीडियो में देने वाले हैं, क्या कट ऑफ रहेगा, क्या सब कुछ जो भी बच्चों ने अटेम्प्ट किए वो हम आपको बताने वाले हैं। तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मैं अपने जो मैंने आरआरबी क्लर्क प्री दिया था 2020 में उसका भी आपको मैं आपको दिखाने वाला हूँ स्कोर कार्ड, और मेंस का स्कोर कार्ड भी दिखाने वाला हूँ, मैंने क्या गलती की थी जो कि आपको नहीं करना है। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।